कि मेरा बर्थडे आने वाला है तो कहीं है, हम जाएंगे या फिर जो भी है, पता नहीं बोलते भी इतना अजीब लगा, मैं तो मन नहीं करता इससे जाने का। बहुत अच्छा फील होता है। हे एवरीवन, तो वो तो शॉपिंग ब्लॉग नहीं बन पाया था और आज हम जा रहे हैं शॉपिंग करने, देखते हैं कुछ मिलता है कि नहीं। जो भी मिलेगा आपको दिखाएंगे। ये मेकअप लुक जो मैंने क्रिएट किया है मैंने अपलोड कर दिया है वीडियो, तो आई थिंक ये ब्लॉग पहले जाएगा कि मेकअप का वीडियो पहले जाएगा, आई डोंट नो, ठीक है देखते हैं। तो ये मेरी कार है और कार में मैंने सब सामान रख लिया है, यू कैन सी, एंड शी इज़ कायना। तो कायना ने आज कुछ अलग आउटफिट पहना है, आप देख सकते हैं। एक्चुअली इस टॉप के साथ में मेडी थी डेनिम की, बट वो उसका कुछ तो हुक निकल गया है, सो इसने वियर किया है ये वाइट डेनिम। ओके, तो मैं अपना आउटफिट आपको दिखा देती हूँ, कैसे दिखाऊँ, आई डोंट नो कैसे दिखाऊँ, क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसे भी नहीं है। तो मैंने शॉर्ट डाला है और यस आपको घुमाएंगे हम, देखते हैं कौन से मॉल जा रहे हैं हम, फिनिक्स मॉल जा रहे हैं शायद। तो इस वीडियो में बहुत मज़ा आने वाला है आपको, अगर आप देख रहे हैं अपने लिए कुछ यू नो आउटफिट वगैरह कुछ शॉपिंग करने के लिए, तो आपको थोड़ा आइडिया मिल जाएगा इस व्लॉग से। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो में, काफ़ी मज़ा आने वाला है आपको। हम लोग तो घूमेंगे और आपको भी घुमाएंगे साथ में। ओके, सो अभी हमने एक गाड़ी स्टार्ट कर दी है और हम जा रहे हैं फिनिक्स मॉल, मतलब आई डोंट नो कि कौन से मॉल जाएंगे, बट देखते हैं जहाँ भी जाएंगे। ये हमारे ड्राइवर भैया हैं, ओ नो, ये हमारे ड्राइवर जो भी है, ठीक है। और ये हमारी कायना है, शी इज सो ब्यूटीफुल। ओके, सो वहाँ पे उन्होंने बोला, जो कि सिक्योरिटी गार्ड वाले भैया रहते हैं, उन्होंने बोला कि आपकी दो वैक्सीन हो गई है क्या, दोनों डोज? तो हमारी तो अभी एक ही हुई है जिसका व्लॉग मैंने बनाया था, एंड दोनों नहीं है तो उन्होंने फिर हमें नहीं जाने दिया अंदर। सो अभी हम देखते हैं हम कहाँ जाएंगे, कुछ तो लेना ही बनता है ना, तो यही है। ओके, तो बने रहिए वीडियो में, देखते हैं, हमें खुद भी नहीं पता हम कहाँ जा रहे हैं, है ना। हाँ, तो मतलब आपको भी देखने मिलेगा कि हम कहाँ जाते हैं, क्या क्या लेते हैं। ओके, सो कायना तो अभी अपने ड्राई फ्रूट्स एंजॉय कर रही है, और कायना के फेस पे ये देखिए, ये इसने स्केच पेन चलाया है, पूरे हाथ पे पूरा हाथ गंदा कर लिया है, क्योंकि इसको मैंने पहले ही रेडी कर दिया था नहला वहला के, और बस फिर तो ये लग गई मैडम अपना पढ़ाई में। बच्चे ऐसे ही होते हैं ना, उसको मन करता है, मूड ही होता है, किसी भी टाइम वो उठा लेते हैं, हालांकि सब बच्चों का टाइम होना चाहिए, और उसका भी टाइम है, ऐसा नहीं है, बट ठीक है, उसका मन था तो बैठ गई स्केच पेन लेके और सब चला लिया, ड्राइंग बना दी अपने फेस पे, ग्रीन कलर का बनाया है इधर, इधर देखिए इधर भी बनाया है। ओके, और ये सो अपनी कार हमने यहाँ पे पार्क की है, और ये देखिए कायना जा रही है, कायना को बहुत जल्दी ज़्यादा से सुसु लगी है, मतलब बहुत तेज़ से सुसु लगी है इसे। और ये हमारा पार्किंग एरिया है, मतलब पार्किंग करके हम थोड़ा घूमेंगे, क्योंकि हमें मॉल में तो जाने नहीं दिया, बाहर निकाल दिया धक्के मार के। हाँ, आई एम जस्ट किडिंग। अभी कुछ खा लेंगे हम लोग और आपको भी दिखाते हैं कि हम क्या खाते हैं, ठीक है। और कायना को बहुत ज़्यादा सुसु आ रही थी, और उसके उसमें ना मतलब मैंने भी कर लिया और सुसु करके यार कुछ बहुत हल्का फील होता है। ओके, ये तो क्या है, वो सबको होता है ना, तो इसमें कुछ शर्माने वाली बात नहीं है। नींबू पानी पीना है क्या? नहीं, बहुत वो आएगा फिर। कहना क्या पी रहे हो?
नींबू पानी पी रहे हो? पी लो। मुझे बहुत भूख लगी थी तो मैंने ये नींबू पानी पी लिया। ओके। तो यहाँ पे ना हल्दीराम पहले नहीं था, अभी पुणे में खुल गया है और यहाँ पे आके आप एंजॉय कर सकते हैं। सो अभी हम डिसाइड कर रहे हैं अपना मेन्यू, है ना, हम देख रहे हैं कि क्या मंगाना है। तो हम क्या तो अभी हमने ऑर्डर कर लिया है और लग रहा है अच्छा। एक बात बताओ, कायना हमेशा परेशान रहती है ना और हमेशा रोती रहती है, अभी मैंने इसको ना गार्ड अंकल से डांट पड़वाई। चलो आ जाओ और आप बताइएगा मेरा मेकअप कैसा लग रहा है, ठीक है? मैंने बहुत ज्यादा क्विक किया, मैंने तो लेमन जूस पिया था, मैंने क्योंकि मैंने डैडी ने भी पी लिया था थोड़ा सा मीने में से। तो कायना ने पिया है लेमन जूस, मतलब नींबू पानी, और बॉडी हाइड्रेट रहती है इसलिए, और मतलब सही रहता है बाहर आके अगर आप लोग कोल्ड ड्रिंक वगैरह के अवॉइड करना चाहिए। तो यहाँ पे हल्दीराम हमने फर्स्ट टाइम देखा है, फिर अभी खुला है हल्दीराम बोले में, तो पहले नहीं था। और हल्दीराम की थाली जो है मैंने बहुत बहुत सुना है के बारे में बोला, तो आज हम उसको ट्राई करने वाले हैं। आई थिंक थाली नहीं हमने ऑर्डर किया है, हमने अलग अलग चीज़ें ऑर्डर किया और जो जो मतलब हमने किया है हम खाएंगे तो आपको आपके साथ भी जरूर शेयर करेंगे। तो थोड़ा सा मैं आपको लुक दिखा देती हूँ। ये हमारे पाव भाजी एंड क्रिस्पी नाचोस। नो। सो कायना को बहुत जल्दी लग रही है। कायना, कायना आपको खाना है पाव भाजी? टेस्ट कैसा टेस्ट है? थोड़ा स्पाइसी है, मिर्ची लग गई। सो ये सारा खाना चित्रेश लेके आए हैं और चित्रेश के तो मुंह में पानी आ रहा होगा, है ना, लाते लाते। और कायना तो रुकी नहीं। तो अभी हमने कर लिया है अपना लंच और बहुत टेस्टी टेस्टी डिशेस थी, है ना। तो अभी हम करते हैं थोड़ी शॉपिंग, खा पी के बहुत मजा आया, बहुत ज्यादा मजा आया, बहुत मजा आया। आपको कैसा लगा खाना जल्दी बताओ? ठीक है, अभी बारिश होने लगी। यार कुछ मिल ही नहीं रहा है, मैं परेशान हो गई घूम घूम के। अभी क्या करें हम लोग, ऐसे चले जाएं? लेकिन ऑटो शॉपिंग ब्लॉग बन जाएगा, देखते हैं अभी घूमते हैं। इतनी भीड़ हो रही है। सो अभी हम बाहर चले गए हैं, आई मीन पार्किंग एरिया से बाहर है और यहाँ पे हम अपनी स्लिप दिखा रहे हैं और बस अभी हम पहुँच जाएंगे घर। तो अभी हम काफ़ी थक चुके हैं खा पी के और आप देख सकते हैं, है ना, थक। मौसम तो बहुत अच्छा है, सो अगर गर्मी में हम आते तो आपको पता ही है क्या हो जाता, टैन हो जाते पूरे। और तो अभी हम चलते हैं। ओके, वो ज़्यादा कुछ शॉपिंग नहीं की है हमने, मतलब लाइक दिस मॉल में तो जाने नहीं दिया था आप लोगों को जैसे कि पता है। और बस मैंने जो कि स्टॉल्स वगैरह रहते हैं वहाँ से एक टॉप लिया है। हम वेस्टर्न मॉल भी गए, वेस्टर्न मॉल भी गए थे और वहाँ पर मतलब काफ़ी चीज़ें मुझे बहुत पसंद आई जो कि मुझे चाहिए थी एक्चुअल में, बट उसमें मेरा साइज और वहाँ पे बट ट्राई नहीं कर सकते थे अभी क्योंकि कोविड की वजह से ट्राई नहीं कर सकते बहुत सारे शोरूम्स में। ओके, तो मुझे काफ़ी चीज़ें पसंद थी, बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें थी लाइक टॉप, क्रॉप टॉप, वन पीस, बट वही था अगर साइज इधर उधर हो जाता है ना तो फिर वो मतलब आओ दोबारा काफ़ी दूर पड़ता है घर से, डेढ़ घंटा लग जाता है, इसलिए मैंने सोचा चलो छोड़ो रहने दो। बट बहुत मेरा मन था क्योंकि होता है कोई चीज़ें कभी कभी मिलती है और ऑनलाइन अगर हम शॉप करते हैं तो यही होता है साइज का, उसमें फिर वो एक्सचेंज करो और जैसे सो तब हम
मतलब पहनने के लिए होना चाहिए मतलब ऐसे, तो ऑनलाइन भी मैंने इसीलिए ऑर्डर नहीं किया अभी तक कि अगर हम जाएंगे तो अगर हमें मिल गया तो फिर हमें जरूरत नहीं है ना, बट अभी मैं देखती हूँ जाके एक दो चीजें मैं ऑर्डर कर दूंगी। थोड़ा पेट पूरा फुल है, ऐसा भूख वूख का तो कुछ है नहीं, बट हम काफी अच्छा है इसलिए बॉडी भी हाइड्रेटेड है, ऐसा नहीं है कि डिहाइड्रेशन हो जाता है जैसे गर्मियों में। तो ओके, और भी हम घूम सकते थे बट वही है बच्चे के साथ में हो नहीं पाता है इतना। और मेरा मन था वैसे, मेरा घर जाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है अभी तो। ओके, आपको मेरा आई मेकअप कैसा लग रहा है? मतलब मुझे तो बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है, डे के हिसाब से एकदम परफेक्ट है। ओके, मतलब ऐसा नहीं लग रहा एकदम चंकी चंकी सा, एंड मतलब बहुत ही ज्यादा सटल लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। चलिए फिर घर पे मिलते हैं, थोड़ा सा बाहर का नल लगा हुआ है और काफी भीड़ है यहाँ पर। और आज हमने हल्दीराम का मतलब खाना खाया, बहुत टेस्टी था, बहुत ज्यादा यम्मी लग रहा था, मतलब उसको बच्चे भी इजीली खा, मुझे उसमें प्लस पॉइंट लगा क्योंकि मतलब होता था हमारे साथ में पहले ना, हम कायना का खाना घर से बना के लाते थे, कुछ ना कुछ ऐसा स्टफ लेके आते थे जो कि इसको इजीली मतलब वो कंज्यूम कर पाए, लेकिन वहाँ पे मतलब स्पाइसेस वगैरह का सब कुछ बहुत अच्छे से ध्यान रखा हुआ था और बहुत बहुत ही टेस्टी था। और यहाँ मतलब मुझे तो अपने उधर के मतलब नॉर्थ इंडियन जो गुलाब जामुन रसगुल्ले थे वो पसंद है। मैंने फर्स्ट टाइम गुलाब जामुन खाया है हल्दीराम के, बहुत बहुत स्पॉन्जी थे एकदम रुई के जैसे गुलाब जामुन, बहुत टेस्टी थी ना। तो सो गई है। ओके, तो हम भी थोड़ा सा गाड़ी में रेस्ट कर लेते हैं और चलते हैं घर की तरफ। ओके, तो फाइनली हम घर पहुंच गए हैं और काफी थक गए हैं। अब हम लोग चेंज करेंगे, मैं पहले चाय रख देती हूँ हैंड वॉश करके, इतनी चाय बन जाएगी और फिर हम रेडी होके सॉरी हम चेंज करके फ्रेश होके थोड़े से चाय पियेंगे और थोड़ा रेस्ट लेंगे। मुझे जिम में भी जाना है, वर्कआउट करना है। तो आप लोगों को कैसा लगा ये व्लॉग आप जरूर बताइएगा। तो मैंने ज़्यादा कुछ नहीं लिया है, एक टॉप ही लिया है, क्रॉप टॉप लिया है, मैं उसको पहनूंगी किसी भी रील्स में या फिर यूट्यूब वीडियो पे, आप देख सकते हैं, मैं आपको मैं मतलब बता दूंगी कि ये मैंने तब लिया था। ओके, तो अभी बहुत ज़्यादा हम लोग मतलब थक, आपको पता ही है हम लोग सुबह के निकले हुए थे, 11:30 बजे निकले थे और अभी हो रहे हैं 5:30। तो ये मेरा आज का आउटफिट था, आप देख लीजिएगा। ओके, सो अगर ये वीडियो पसंद आता है तो उसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, यस बेल आइकन को प्रेस करके जाना। बाय, लव यू ऑल।